और खोकर साहब से बेहतर कोई नहीं जुल्फिकार अली भुट्टो को जानता है क्योंकि ही वर्क विद हिम. लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो की मुझे डेट्स नहीं याद, लेट 60s अर्ली 70s में यूएन में जाके कहना जुल्फिकार अली भुट्टो का लेट 60s में, एंड दे वर सच प्रोफेटिक वर्ड्स के अ कंट्री विच इन द फ्यूचर इज गोइंग टू रूल द वर्ल्ड. You are it's going to dominate the world. You are keeping that country out of the UN. अच्छा ये कितनी 1970 तक 1970 तक चीन जो है वो कौमी मुत्तहिदा का मेंबर नहीं है, फिर मेंबर आया है विद द वीटो पावर. नहीं वो तो भाई उनकी दैट वाज द राइटफुल प्लेस, दैट वाज द राइटफुल प्लेस. पाकिस्तान ने बड़ा नहीं, आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब किसिंगर गया था तो चाओ एन लाई ने उसको बड़ी अच्छी बात की थी. उसको बोला था कि डू नॉट फॉरगेट द ब्रिज दैट यू हैव क्रॉस्ड, यू मे हैव टू क्रॉस इट अगेन. अच्छा देखिए फैसल, चूंकि मतलब बात आप तक लेट्स टेक, चूंकि आप उनकी तरह डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक तरीके से नहीं सोचे, लेट्स मैं चाह रहा हूँ कि न्यूट्रल माइंड देखें. हमने अमरीका के लिए भी बहुत कुछ किया जी, हम अमरीका के वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा रहे, सीटो सेंटो का. हमने अमरीका को चीन तक एक्सेस प्रोवाइड किया 1971 में. हमने अमरीका के साथ अफगानिस्तान की जंग सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ी. 9/11 के बाद एक बार फिर हमने अमरीका की खातिर, किसी ने इस जंग में जिसको हमने अपनी जंग बना लिया, जो बुनियादी तौर पे अमरीका की जंग थी जिसके हम विक्टिम बन गए, उसके रास्ते में आगे हमारी बन गई, 40,000 लोग जो हैं, 5,000 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल, 30,000-35,000 हमारे सिविलियंस जो हैं उनकी जानें इस जंग में जाए, लेकिन हम इस रिलेशनशिप को अमरीका के साथ हैंडल नहीं कर सके. अमरीका का भी उसमें बड़ा कसूर होगा, लेकिन शायद हमें उसकी डायनेमिक्स समझ नहीं आए कि चीन का जो रिलेशनशिप है जो बदलता जा रहा है, इस पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहां इसका अदराक नहीं हो रहा कि चीन बदल रहा है, क्योंकि दुनिया तब्दील हो रही है. हम अपनी पुरानी इकदार और वैल्यूज के ऊपर एम्फसाइज करते चले जा रहे हैं. यकीन चीन ही हमारे साथ है, इसमें कोई शक नहीं. जी, जी. आगे की क्या थिंकिंग बनती है, जैसे आपने लैंग्वेज शुरू की, और क्या थिंकिंग आती है? जी जी बिल्कुल, देखें लैंग्वेज इज वन इनिशिएटिव. लैंग्वेज का मकसद यह है कि हम प्राइवेट स्कूल्स के तहत और अपनी प्राइवेट एंड पब्लिक कैपेसिटी के अंदर जितने ज्यादा बच्चों को जबान सिखा सके. इसके बाद सेकेंडली मैं ये समझता हूं कि एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप को, इस फ्रेंडशिप को पार्टनरशिप में तब्दील करने के लिए लैंग्वेज विल एक्ट एज अ कॉमन करेंसी बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान. और हम अपना जो फोकस है वो अपने तालीमी निजाम के जरिए एक ऐसी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं इन विच द लैंग्वेज विल एक्ट एज अ कॉमन डिनोमिनेटर जो हमारी पार्टनरशिप को बनाएगा. तो ये लैंग्वेज को आप वाइडली क्यों नहीं ऑफर करते? आप सिर्फ अपने स्कूल सिस्टम के अंदर ऑफर कर रहे हैं. अगर मेरी बच्ची ज्वाइन करना चाहती है तो आपको स्कूल में तो नहीं पढ़ती वो, तो आप इसे कहते हैं एक लैंग्वेज सेंटर कायम करें. हमने तो स्कूलों के साथ निसाब के अंदर इसको इंटीग्रेट कर दिया है. इसके अंदर स्कूल भी है, आपके तो 3-4 स्कूल हैं. जी जी, मेरी तरफ से तो मैंने सारा काम कर लिया है. इस इनिशिएटिव को हमने पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट और पाकिस्तान एम्बेसी बीजिंग के साथ मिलकर किया है, और ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है. आगे मेरे से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई फेडरल मिनिस्ट्री या प्रोविंशियल मिनिस्ट्री सारा निसाब ले ले, मुझे ये प्रोग्राम देंगे इसमें. मैं पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट के पूरे मुल्क के स्कूलों में इसको बाकी स्कूल्स के साथ बिल्कुल जी पाकिस्तान से बढ़ के क्या, और इसका एक ही मकसद है, वो ये पाक चीन दोस्ती को स्कूलों में और क्लासरूम के अंदर स्केल किया जाए. ये डेवलप भी प्रोग्राम हमने पिछले 6 महीने एफर्ट करके जो करिकुलम बनाया, दिस इज पार्ट ऑफ द कोर करिकुलम, और इसके अंदर जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है नमल के अंदर वो सारा स्टडी सपोर्ट दे रहा है. तो देखिए जी, हम ये समझते हैं कि इसी तरीके से हम पिछले काफी सारी दहाइयों से अमेरिका के साथ लगे हुए हैं, और फिर भी हम उस पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील नहीं कर सके. तो मैं ये समझता हूं कि चाइना पाकिस्तान का फ्यूचर है, एंड द काइंड ऑफ बायोलैटरल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, ट्रेड, हेल्थ, एनर्जी, सोशल एंड कम्युनिटीज इंटीग्रेशन विच एग्जिस्ट. एक सेकंड जी, आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं. नहीं मैं कह रही हूं कि ये तो देखो, दिस गोज विदाउट सेइंग, और ये पाकिस्तान का अगर एक कोई जेन्युइन स्ट्रेटेजिक है पार्टनर वो चीन है. और मैं ये भी नहीं अग्री करती, आप ब्रेक लेना चाहते हैं. बात बताऊं मैं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं. मैं कल शाम से ढूंढ रहा हूं कि वो कौन से पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन जिनके मैसिव चाइना के साथ बिजनेस इंटरेस्ट हैं. मैंने बिजनेस कम्युनिटी को फोन किया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सेंटर कायम किया हुआ है, उनको मैंने फोन किया. कुछ लोगों ने मुझे नाम दिए, कुछ ने कहा मंशा साहब जो है इसमें खासा इंटरेस्ट रखते हैं, किसी ने उमर उसकी बात की जो एग्रो केमिकल के हैं, ठीक, कुछ और असद उमर की बात की, कुछ और लोगों की बात, हर गोल के घंटे. लेकिन बाय एंड लार्ज एक ऐसा मुल्क जिसके साथ हमारे इतने डीप रिलेशनशिप हैं, जिसकी प्राइड हम इतना प्राइड करते हैं फखर में, मुझे 10 नाम टोटल नहीं मिल सके ऐसे पाकिस्तानी बिजनेसमैन के जो फ्रीक्वेंटली चाइना ट्रेवल भी कर रहे हैं, जिनकी मैसिव इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, जो चाइना के साथ कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर, मुझे 10 नाम नहीं मिले कंसर्वेटिव. बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मैं, दिस इज व्हाट मैं, आप लोग डिनायल में लग रहे हैं मुझे, मैं बताऊं डिनायल खतरनाक हो सकता है. देखिए मैं एग्री करता हूं आपको कि टाइकून लेवल पर आपकी शायद ना हो, बट
एट लोअर लेवल आपकी इतनी, आप चाइनीज प्रोडक्ट्स जो यहाँ पर आ रहे हैं, आपकी फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लें, आपकी जो मोबाइल कंपनीज आई हवाई और ये जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर चाइनीज प्रोडक्ट्स, दे आर चाइनीज इक्विपमेंट, मोस्ट ऑफ इट 60% ऑफ चाइनीज इक्विपमेंट। सिमिलरली आपकी हर शोबे में आप जाएं, किसी भी जाएं, आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में जाएं वगैरह वगैरह, चाइनीज बिजनेस में आपकी बड़ी सख्त, लेकिन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जा रहे हैं सर, हिंदुस्तान में भी जा रहे हैं। लेकिन हमारी पैरेलल थिंकिंग होनी चाहिए कि चाइना की बर्जनिंग इकोनॉमी के अंदर क्या हम अपना कोई 1% जो मोहित बात रेज कर रहे हैं अहम है उसमें, मोहित ये बहुत कहते हैं आपके पोलिटिकल इकोनॉमिस्ट इस वक्त पाकिस्तान में कि चाइना की तरफ से फ्रेंडली फायर हो रहा है, कि चाइना के चीप प्रोडक्ट्स आर कमिंग इन एंड डेटिंग अ मार्केट, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, देयर इज एक वो थिंकिंग है, थिंकिंग है। अच्छा, अब उसमें आपने जो फ्री इकोनॉमिक जोन्स वगैरह आपने बनाने की कोशिश की, पंजाब ने सुना है इनिशिएटिव लिया भी का नहीं, 4-5 साल पुराना है कि ज्वाइंट प्रोडक्शन में आप जाएंगे, आप चाइनीज विल कम इन इन्वेस्ट हियर, ताकि ये जो फैक्टर है कि चाइनीज आर इनंडेटिंग अ मार्केट वो एक मेजर इशू है, तो वो आई थिंक दैट इज बीइंग फैक्टर्ड इन। बट ये कहना कि बिल्कुल एक आपकी थिंकिंग नहीं है या यहां सोच विचार नहीं है, देखिए जो आप बात कर रहे हैं वो तो डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड करती है पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस एक्यूमेन है, जो पाकिस्तान के अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप है। अच्छा, आपका मेजर कौन है एंटरप्रेन्योर? टेक्सटाइल है ना, अमेरिका यूरोप है। अच्छा, चाइना में तो आप नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, चाइना खुद सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, सो यू डू हैव दोज इश्यूज देयर। हम पिछले साल यूरोपियन यूनियन में, हमें उन्होंने बुलाया था तो हमारा एक हफ्ता हमने गुजारा ब्रसल्स में, वहां हमारे ट्रेड के हवाले से उनके डायरेक्टर्स वाले से बड़ी बातचीत थी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक अजीबोगरीब मुल्क है जो अपनी एक्सपोर्ट्स को और अपने प्रोडक्ट्स को उसने 25-30 साल से डाइवर्सिफाई करने का सोचा ही नहीं है, कहीं अपग्रेड ही नहीं किया, ये भी नहीं किया कि जिस किस्म का तोलिया बनाता था, जैसी बेडशीट बनाता था वैसे ही बना रहा है, ये नहीं कर रहा है कि उसको कोई एम्ब्रॉयडर्ड बेडशीट बना रहा है, उसको हाई क्वालिटी बना रहे हैं, अपर चेन, उसको उस चेन ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें पाकिस्तान ने कहीं रिसर्च नहीं की, कहीं तहकीक नहीं की, कहीं अपवर्ड मूव नहीं किया। और पाकिस्तानी हर वक्त दुहाई देते हैं आके कि जी हमारा कोटा हमें दें, हमारी बेडशीट के कोटा, हमारा लिनन का कोटा, ये चीजें जो है ये प्रॉब्लमैटिक। मुझे वही चीजें उसी कैटेगरी में फॉल कर रही है, वो आपके एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपकी कॉम्पिटिशन में नहीं आएगी, आपके एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो दे आर इन द कॉम्पिटिशन, लेट मी मेक वन पॉइंट टेक इट फ्रॉम यू अबाउट द इकोनॉमिक रिलेशन। देखिए 60s से लेके और समझिए कि वर्चुअली अप टू 2001 ये रिलेशनशिप जो था ना, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, दिस वाज गवर्नमेंट ड्रिवन, उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। और अब जिस अगर इस रिश्ते को आपने वाकई आगे बढ़ाना है तो फिर प्राइवेट सेक्टर को एक मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा। तो अभी कर रहा है क्या? नहीं, ये हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। अब देखिए प्रॉब्लम ये है, तो फिर आपको मेजर बिजनेसमैन क्यों नहीं नजर आ रहा? नहीं, मेरा मतलब देखिए, नहीं अब आप ये तो बात सही नहीं, आपने के नाम लिया था असद उमर, एंग्लो इज डूइंग बिग बिजनेस विद चाइना, उन्होंने ये थर कोल के एरिया पावर प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और भी लोग कर रहे हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता दे आर गेटिंग टू नो ईच अदर, हमें ये करना है, और ये मेरा ख्याल है दोनों तरफ इस चीज की जरूरत है कि हमने बिजनेसमैन आइडेंटिफाई करने हैं और उनको इनकरेज करना है कि भाई ये मौके हैं जो चीन से आप फायदा उठा सकते हैं। जी जी, और इसी तरह वहां पे भी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में मैं बताऊं चीन में भी काफी जरा गड़बड़ है, मगर लेट मी टेल यू समथिंग, पैसा बहुत है वहां, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आर नाउ अवेलेबल इन द प्राइवेट सेक्टर इन चाइना। अगर हम मेहनत करें, कोशिश करें इस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, पहले जो सारी चीनी इन्वेस्टमेंट थी वो सब सरकारी इदारों में थी, प्राइवेट, अब आहिस्ता आहिस्ता वो आ रहे हैं इस सेक्टर में। आई थिंक दिस इज वेयर द थिंग्स विल बी ड्रिवन फॉर पाकिस्तान। इंडिया के केस में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और एनकरेजमेंट कम थी, मगर अब देखिए उनके प्राइवेट सेक्टर ने, अब आईटी में जो उनकी कोऑपरेशन है और एरियाज में $60 बिलियन की टू वे ट्रेड है, दिस इज फैंटास्टिक, गेट टू 100 बिलियन। नहीं बिल्कुल आ रही है, जस्ट टू टेक दिस ऑन, आई मीन आई एज अ प्राइवेट सेक्टर एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर, आई एम गोइंग टू एंटर चाइना इंशाल्लाह होपफुली दिस ईयर, एंड इन द फर्स्ट फेज आई विल बी सेटिंग अप अ स्कूल इन शिनजियांग प्रोविंस इन उरुमची,
विच इज अज प्रोजेक्ट एंड दैट इज गोइंग टू, आप देखिएगा एक बिल्कुल नई स्कूल होगा ये जी, पाकिस्तानी ओरिजिन स्कूल होगा जो इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रमोट करेगा, बिकॉज चाइना में उभरती हुई जबान इंग्लिश है और उन्होंने भी एज अ सोसाइटी काफी रिफॉर्म की अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के अंदर. तो आई थिंक ये एक बड़ी मेजर शिफ्ट होगी कि पाकिस्तान से आप एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर चाइना. और ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को इसी पॉइंट से हम कंटिन्यू करेंगे.